अरे हम ग्रैंडो में सोसाइटी में खड़े हुए हैं, हम सभी यहाँ के स्थानीय जो है रहने वाले हैं, हमने घर खरीदे हैं अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर, 10 सालों से सोसाइटी में घर बने हुए रखे हुए हैं, 10 सालों से कोई मसला नहीं उठा, अभी तक कोई ऐसा इंक्रोचमेंट का मामला सामने नहीं आया, लेकिन न्यूज में एक मामला आने के बाद से हमारी सोसाइटी को निशाना बनाया जा रहा है। ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत अब सुनने में आ रहा है कि आज 100 घरों के ऊपर तोड़क कार्रवाई होगी। नोटिस बहुत से लोगों को नहीं मिला है, कई लोग अभी कुछ महीनों पहले ही घर खरीद के यहाँ पर रहने के लिए आए हैं और किसी को नोटिस मिला नहीं है, कोई सोसाइटी की तरफ से, कोई अथॉरिटी की तरफ से, कोई ऑफिशियल्स नहीं आए हैं जो बताएं कि क्या होना है, कैसे होना है। बस ये सुनने में आ रहा है कि 100 घर तोड़े जाएंगे। वी शुड नो, क्योंकि हम लोगों को पता चलना चाहिए, वी आर विद देम, बट इट इज वी नीड सम टाइम टू रिमूव एवरीथिंग, एकदम ऑल ऑफ अस, या सम टाइम और समथिंग, जिससे कि हम लोग अपनी चीजें अंदर से हटा सके और रिमूव कर सके। We are not getting any time. We just get the information yesterday night that they all are coming, and you cannot at least give us a week time. हमारे शेल्स लगाए हैं हमने ताकि ऊपर से कुछ भी गिरे, हमारी सेफ्टी के लिए है। कभी कभार ऊपर से प्लास्टर गिरता है, कभी ऊपर किसी का गमला गिरता है, कुछ भी गिरे, छोटी मोटी चीज, खाली हमने शेल्स लगवाए हैं ताकि हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे बच्चों की सेफ्टी के लिए। अगर वो गैर कानूनी तो हटाए जाएंगे, लेकिन सवाल मंदिर है सारा गुरु जी का है, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, मंदिर मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा यार, मंदिर।